दोस्तों व्हाइट टाइगर का नाम सुनते ही टाइगर की एक अलग स्पीशीज का ख्याल आता होगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली व्हाइट टाइगर्स ना तो डिफरेंट स्पीशीज हैं और ना ही टाइगर की कोई सब स्पीशीज, बल्कि ये बंगाल टाइगर के ही डिसेंडेंट्स होते हैं। लेकिन इनमें होता है एक रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट, जिस वजह से इनका रंग टिपिकल ऑरेंज की जगह व्हाइट हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आज यदि भारत दुनिया भर में व्हाइट टाइगर्स के लिए जाना जाता है तो इसका श्रेय रेवा के महाराज मारतंड सिंह जी को जाता है। महाराजा मारतंड सिंह जी ने पहली बार रेवा में गोविंदगढ़ जंगल की यात्रा के दौरान मेल व्हाइट टाइगर मोहन को ऑब्जर्व किया था। कई महीनों के प्रयास के बाद वो मेल व्हाइट टाइगर मोहन को जिंदा कैप्चर कर पाने में सक्सेसफुल होते हैं और इसके बाद मोहन को ऑफिशियल वेटनरी एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिया जाता है और यहाँ से शुरू होता है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग का सिलसिला। इसके बाद भारत में कई सेकेंड जनरेशन ऑफ व्हाइट टाइगर्स क्रिएट किए गए हैं और भारत में व्हाइट टाइगर कंजर्वेशन का काम शुरू हो गया।